निर्देशक अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित गदर 2 ने 4 दिन में बॉक्स ऑफिस पर 173.88 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। फिल्म की सक्सेस से सनी देओल काफी खुश हैं। इस बीच गदर 3 को लेकर खबरें चल रही थी, अब अनिल ने इस पर चुप्पी तोड़ी है। निर्देशक अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। फिल्म का क्रेज दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। मूवी में अमीषा पटेल, सिमरत कौर, मनीष वाधवा ने काम किया है। गदर 2 के सक्सेस ने सनी देओल सहित फिल्म की पूरी कास्ट काफी खुश है। इन दिनों खबरें थी कि गदर 3 की तैयारी मेकर्स कर रहे हैं। गदर 2 के अंत में फिल्म क्रेडिट में लिखा था जारी रहेगा, जिसने तीसरे पार्ट को लेकर फैंस को उत्साहित कर दिया है। इस पर समाचार एजेंसी ANI के हवाले से अनिल शर्मा ने गदर 3 के बारे में बात करते हुए कहा, आपको इसके लिए इंतजार करना होगा। अनिल शर्मा ने कहा कि इंतजार का फल मीठा होता है, बिल्कुल इस गदर 2 की तरह। मेरे और शक्तिमान जी गदर 2 के लेखक के मन में कुछ विचार आए हैं, तो बस इंतजार करो, सब कुछ होगा। गदर 2 में सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिका में हैं। गदर के रिलीज के 22 साल बाद ये मूवी आई। गदर एक प्रेम कथा 2001 में सनी ने एक ट्रक ड्राइवर तारा सिंह की भूमिका निभाई, जबकि अमीषा पटेल ने 1947 में भारत के विभाजन के दौरान सकीना की भूमिका निभाई। अनिल शर्मा का कहना है कि दर्शकों की स्वीकृति ही वह सराहना है जिसकी उन्हें जरूरत है। हमने ये फिल्म सिर्फ 60 करोड़ के बजट में बनाई है। लोग हमें बताते हैं कि यह 300 करोड़ बजट की फिल्म लगती है। हमने पूरी फिल्म की शूटिंग हजारों दर्शकों के साथ चंडीगढ़ में लोकेशन पर की है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।